अच्छी वैसे हेलो फ्रेंड्स दिस इज मी अस्मारा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अस्मारा स्टोरी तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और जहां कहीं भी होंगे आवाज होंगे तो जैसे कि हमनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लाग कुछ खाने का स्पेशल और कुछ रेस्टोरेंट टाइप वाइब्स आपको आ गई होंगी तो जी बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त हैं आज का जो बिलाग है वो मैंने कैप्चर किया है अल्सफ़ा रेस्टोरेंट का वहाँ पे एक छोटा सा लंच था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मज़े का व्लाग बना लूँ और अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ तो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें काइंडली तो स्टार्ट करते हैं जी सफा कैसा रेस्टोरेंट है वहाँ पे कैसी सर्विसेज हैं और वहाँ का स्टाफ कैसा है तो आज सारी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में जो स्टार्ट में काउंटर है उसके बिल्कुल साथ वाली जो साइड है वहाँ पे ये डिस्प्ले है जहाँ पे आप फोटोशूट कर सकते हैं उसके साथ बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे एक छोटा सा प्ले लैंड है जहाँ पे बच्चे बूढ़े छोटे मोटे सारे लोग आ एंजॉय कर सकते हैं ये जंपिंग है जंपिंग ट्रैक है आप इधर जंप कर सकते हैं बड़े मज़े का अगर मतलब अगर आपके साथ बच्चे आए हुए हैं तो आप इजीली यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं मजा कर सकते हैं बच्चों को करवा सकते हैं और वैसे भी बड़े भी तो बच्चे ही होते हैं तो बड़े भी यहाँ पे एंजॉय थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं मतलब ऐसे झूले ले सकते हैं जहाँ पर गिरने का खतरा ना हो तो ये सारा इंटीरियर आप देख सकते हैं ये मैनेजर इनके और सेम ये यहाँ पर सिटिंग है सेम ऐसी ही सिटिंग दूसरी साइड पर है तो वो बाद में मैं आपको दिखाऊँगी तो पहले ये देखें यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है और टेबल साथ में मेन्यू वगैरह सब कुछ डिस्प्ले है और ये सबसे मज़े का सबसे मज़े की सीटिंग मुझे ये लगी कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप ये राउंड सीटिंग को अरेंज कर सकते हैं कोई अगर मीटिंग का सीन है तो आप यहाँ पे वो हेल्ड uh, कर सकते हैं यहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं तो मुझे ये सबसे मज़े की जो लगी है ना वो अलसफ़ा पे ये वाली राउंड सिटिंग लगा है और इसके जो फ्लावर्स हैं ये भी आप देख सकते हैं ये भी बहुत मज़े हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं और उसके बाद ये जितना भी यहाँ पर फर्नीचर है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर है वेल फर्निश्ड है ये प्लेस खाना वो बाद में खाने की बात हम बाद में करेंगे अभी जस्ट इंटीरियर और सारे फर्निश्ड जो है उसकी बात करते हैं तो ये सारी रोज़ में लगे हुए हैं आपके पास आ, कुछ सोफ़ा लगे हुए हैं कुछ सिंगल सोफ़ा और साथ में टेबल है ये आप देख सकते हैं और बिल्कुल सामने एक फैमिली हॉल टाइप है या कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं ये मीटिंग ना भी हो तो वैसे भी हो क्या लेकिन यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा फैमिली है कोई गैदरिंग है आपकी तो आप इस वाले पोर्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक ऑफिशल सीट ऑफिशियल यहाँ पे बना हुआ सारा तो ये यहाँ पे उन्होंने साथ साथ नंबर्स भी रखे हुए हैं कि कौन सा जो टेबल है किसका ऑर्डर है किसको कैसे किस टाइम पे सर्व करना है तो ये आपने देखा होगा यहाँ पे सेवनटीन सिक्सटीन ये सारे यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो वेलवेट के सोफ़ा हैं बहुत ज़बरदस्त हैं सेम उसके साथ ही ये अगेन एक डाइनिंग स्टाइल है ये भी फैमिली के लिए है या ज़्यादा बंदे हों तो आप वहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मोस्टली अजवा पे जो सॉरी सफ़ा और रजवा एक ही तो वो माइंड में हो जाता है यहाँ पे जितनी भी सीटिंग है ना वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बैठने के लिए जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे दो या तीन सोफ़ा लगा हुआ है या थोड़ी थोड़ी सी चेयर्स हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट छः बंदे अगर आपके पास हों तो आप किसी एक टेबल को जो है ना वो बुक कर सकते हैं तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्प्ले किया हुआ है मेन्यू की जो बुक है उसको रखा हुआ है साथ ये पड़े हुए हैं यहाँ पे गुलदान और ये सारा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है तो गाइज़ यहाँ पे पिज़्ज़ा थोड़ा सा ही बच गया था तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग भी अपलोड करना था तो सो इतना ने? सा पिज़्ज़ा है कोई बात नहीं और बाक़ी ये आप देख लें इस वक्त रोटी खा लिया है हमने <laughs> रोटी खुल गई हुई है और रोटी के खाने के बाद ये रात फ्राइज और टिश्यूज़ मैनर्स तरीके से तो नहीं खाया सो हेयर इज द आइस शेक फाइनली ये एक ऐसा ऐसा बच गया था जिसके जिसके वीडियो को कैप्चर करना लाजमी था बाकी तो खाना खाया था याद नहीं था ना ब्लॉग भी शूट करना है तो अल्सफा का है आइस शेक इसको पीते हैं ट्राई करते हैं और उसके बाद में आपको अपना आप फ़ीडबैक दूंगी कि ये कैसा है और ये है इसकी आइसक्रीम ये भी खाते हैं तो पता चलता है कि कैसी है इनकी लुक तो अच्छी लग रही है आइस चेक और आइसक्रीम तो बहुत ज़बरदस्त थी और सर्विंग भी इनकी बहुत अच्छी थी सर्विस बहुत अच्छी है स्टाफ बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ वो ये थी कि इनका जो मेन्यू था उसमें चीज़ें बहुत लिमिटेड थी जितना ये अच्छा किस्म का रेस्टोरेंट है उस लिहाज से यहाँ पे उतने आइटम्स नहीं थे तो ये चीज़ एक थोड़ी थोड़ छोटी सी इनका ड्रॉबैक है बाकी ओवरऑल सेटिंग बहुत अच्छी है तो ये सेम जैसे मैंने आपको पहले विजिट करवाया सेम ये वही है दूसरी साइड पर दूसरा पोर्शन है तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग आई होप आपने पसंद किया होगा अगर तो पसंद आया यार कमेंट करो सब्सक्राइब करो लाइक like करो और वेट करो नेक्स्ट व्लॉग का तब तक के लिए बाय